क्या बारिश हुई है यार, रात को क्या बारिश हुई है, दिल कांप रहा था ऐसे ऐसे बादल गरज रहे थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए। तो यार देख सकते हो, सुबह सुबह उठा हूँ और आज मैं भाई साहब कमरे में हूँ अपने, बाहर धूप है और ब्राइटनेस ठीक नहीं है, वीडियो सही नहीं बन रही। मैं आज कमरे में आ गया, बल्ब लगाया हुआ है और वीडियो बना रहा हूँ। एक हफ्ते बाद वीडियो आ रही है भाई। एनीवे, अभी तक आप लोगों ने ये सब व्लॉग एंजॉय नहीं किया तो कर लो यार, फ्री है बिल्कुल, फ्री है बिल्कुल। सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करना ना भूलना। पिछली वीडियो में आप लोगों ने यार सपोर्ट नहीं दी यार, पिछली वीडियो में कोई मजा नहीं आया, पिछली वीडियो में यार कोई चस नहीं आई। चस कराओ यार थोड़ी जैसी हमारे को। टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि आज मेरे ये व्लॉग किस चीज के ऊपर है। तो ये बताता चलूं कि यार अगर मैं व्लॉगर ना होता तो मैं क्या होता फिर? आपके लिए भी थोड़ा सरप्राइज है, क्या होता मैं? आप लोग कमेंट में बताओ, अभी से कमेंट में बताओ कि यार मैं क्या होता। तो अभी तो मैं इस कमरे में हूँ, दूसरे कमरे में है मेरा स्टूडियो, तो वहाँ चलेंगे। और हाथ भी काफ़ी थक गया यार, बंदा हफ्ते बाद व्लॉग करे तो हाथ थक जाता है, पैर की दम यार पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बोलने का तरीका भी भूल जाता है बंदे से। एनीवे, अभी आज जो मैंने कॉपी की है फर्स्ट में, तो वो किसकी कॉपी की है कमेंट में लाजमी बताओ। जिसने ठीक कमेंट किया उसको मिलेंगे 5,000 रुपीज इनाम गिव अवे। भाई लोग, दूसरे कमरे में आ चुका हूँ मैं, थोड़ी लाइट्स जला लेते हैं भाई साहब। तो यार बिग चीज है आप लोगों के लिए, 1 2 3 बोलूंगा और आपके सामने वो चीज आ जाएगी कि मैं किस चीज के ऊपर मेहनत कर रहा था और वो चीज मैंने फिर स्टार्ट नहीं की। तो 1 2 3 भाई साहब, ये चीज थी, ये पूरा ग्रीन स्क्रीन मैंने लगाया और ये सामने देख सकते हो आप लोग स्पॉट लाइट, जिसकी अभी हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई है, मेरे अपने हाथों की बनी हुई है। और बाकी ये आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे भी एक स्पॉट लाइट बनाई थी मैंने, ये भी थी। तकरीबन कम ही मैंने खर्चा किया, जुगाड़ किया मैंने सारा, जुगाड़ जुगाड़ पे सब कुछ चलता रहा है। और अभी जो है ना, आप लोगों को बताता चलूँ, मैं एक टेक्निकल चैनल बनाने वाला था। तो टेक्निकल चैनल तो यार मैं नहीं बना सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं व्लॉगर बन गया भाई, आप लोगों का व्लॉगर भाई यूसुफ भाई, आप लोगों का व्लॉगर, और मैं ये बन गया। आप लोग कमेंट में बताओ कि यार मुझे वो काम भी शुरू करना चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए। तो यार आप लोगों के लिए भी यहाँ पे मोटिवेशन निकलती है कि कोई काम भी यार मुश्किल नहीं है, आप लोग करें, कोई काम भी करें। मुझे यार, मैं अगर सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, मैं काफ़ी जगह से कॉपीराइट खा जाता हूँ, कभी सॉन्ग्स के ऊपर, कभी किस चीज़ पे, कभी किस चीज़ पे कॉपीराइट आ जाता है मुझे। तो ये है कि यार आप जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आपके लिए मोटिवेशन है, आप कर सकते हो, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म होगा इस चीज़ के बारे में। तो आप भी ट्राई करें, कोशिश करें, कोशिश करने से कुछ नहीं होता, एक कोशिश करेंगे भरपूर मेहनत करेंगे तो आप ग्रो हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये है कि आप मुझे ही देख लें, मैं भी ग्रो नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, जितने मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, लेकिन शुक्र है उस मालिक का, मिल रहे हैं कुछ और अच्छा जा रहा है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि यार मैं अगर कर रहा हूँ ना तो आप भी कर सकते हो, मुझे ज़ीरो नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी ट्राई करो। और कमेंट में मुझे बताओ कि यार मुझे टच का चैनल बनाना चाहिए यार नहीं, जिसके अंदर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं आप लोगों के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि आप चैनल कैसे ग्रो करें, प्रॉपर एसईओ कैसे करें, टैग्स बनाएं, ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से की जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, अपनी पॉकेट मनी ऑनलाइन कैसे निकाल सकता है बंदा किसी भी वेबसाइट से, इस चीज़ के बारे में। तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि मुझे ये काम शुरू करना चाहिए या नहीं। और आज जुमा है, खुतबा हो रहा है, अजानों का टाइम होने वाला है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, तो वो चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ यार। ये क्या है? नहीं होता है, मेरे पास थे तकरीबन 2,000 रुपये तक मेरे पास गैजेट थे, ये भी पुराना, पता नहीं जाले लगे हुए हैं इसके ऊपर। और ये मैंने न्यू लिया था और ये कपड़ा न्यू लिया था, और बाकी एक माइक था, माइक मैंने न्यू लिया था, और बाकी जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं भाई, जुगाड़ है सारा, तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा है आप लोगों का। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये खर्चा है। और
आप शुरू कर सकते हैं ये काम। एक आपके पास मोबाइल होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कैमरे वाला होना चाहिए, और 2-3 हज़ार का खर्चा है। अगर आप पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाना चाहते तो फिर 1500-1100 रुपये खर्चा होगा। तो ये है कि आपको फिर सफा जगह ढूंढनी होगी, अपना बैकग्राउंड पीछे अच्छा रखना पड़ेगा, तो उस वजह से फिर आपका ठीक रहेगा। अगर आप कपड़ा लगा लेते हैं तो कपड़ा ठीक रहता है, क्योंकि पीछे बंदा वॉलपेपर चेंज करता रहता है। तो ये है। और अभी नमाज पढ़ के आए यार, भूख लगी है थोड़ी, कुछ ढूंढते हैं कुछ खाने को। एक कप चाय, आय हाय आय हाय, मजेदार मजेदार यार। सुस्ती है यार आज, पता नहीं चल रहा क्या सीन है। चाय माय पी ली, थोड़ा जैसा रेस्ट किया यार मैंने, बोला चलो फिर आदमी किधर चलते हैं, कोई इधर जाने का नहीं है, आगे पीछे किधर घूमने की जगह भी नहीं है, यहाँ पर बहुत दूर दूर है भाई, 2-2 3-3 घंटे के रास्ते हैं, क्या करे बंदा, वहाँ पे कैसे जाए। और बाकी यही था यार, मैं बस आज जो आपको बताने के लिए था यही सब कुछ था। और नेक्स्ट डेज में भी काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अच्छे व्लॉग्स आएंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं, आज तक के लिए इतना ही। व्लॉग को एंजॉय करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ओ का